चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही है, मोर देन, ध्यान देना इधर आप लोग, 85 दिया हुआ है, उसके बाद 70 से मोर देन है ना, इसके बाद 55, फिर 40, फिर 25, उसके बाद 10, ठीक है। 85 से अधिक, मोर देन 85, मोर देन 70, मतलब ये रिवर्स में दिया, उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और डाटा भी हमको दिया हुआ है यहां पे 1, 4, 30, 74, 94 और 100, ठीक है। मानो चलो हमारा 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 10 से ज्यादा नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है। अगर मैं बोलूं 25 से ज्यादा नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, 94। 40 नंबर पासिंग मार्क्स था, 40 से ज्यादा पाने वाले कितने हैं, 74। इतने लोग पास हैं, ये लोग भी पास होने के करीब थे, बाकी लोग फेल थे। कितने लोग फेल आए, 6 लोग। नहीं तो इसलिए तो पूछा, क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल कितने हैं, 100 स्टूडेंट। 10 से ज्यादा मतलब जो 100 भी लाया होगा वो भी, जो 90 भी लाया होगा वो भी, 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट की बात की हम लोग। और जो 25 से ज्यादा लाने वाले नंबर कितने हैं, 94। तो ये दोनों के बीच कितने हैं, 6 बच्चे। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 11 बताते कंफ्यूजन ना हो। हाँ वही तो समझ में, 11 में आएगा टेंशन, मतलब 11 बताऊंगा ना, वो सिंपल है, 8 थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आप लोग दिया हुआ आप लोग का लेस देन 10, लेस देन 20 है ना, सॉरी 11 में मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, ये दिया हुआ है। 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक। तो इसको हम टेबल बना लेते हैं ऐसे, ये होता है क्लास इंटरवल का, ठीक है। 0 से ज्यादा कहां तक, सबसे लास्ट तक, पर हमको सबसे लास्ट तक नहीं लेना है। अगला स्टेप क्या है, 5 से ज्यादा, अगला स्टेप 10 से ज्यादा। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हम लोग 5 पे खत्म करेंगे, या 10 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 10 से खत्म। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, सॉरी सर 20 से 25 ना, कहाँ तक दिया है, 30 तक ना, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30। इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर है वीडियो में भी। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाले में क्या करते हैं, 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले, ठीक है, इस बार अब दूसरा पेपर है, 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल 100 स्टूडेंट है। अब हम लोग दूसरा स्टेप पे देखेंगे, 5 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने हैं, 95। तो इसमें से 95 माइनस कर दो आप, तो 0 से 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। दूसरा है यहाँ पे 95 है, 85, 71, 51, 16, अच्छा मोर 30 है ना, तो मोर देन 30 आएगा, तो 30 से 35 भी आएगा, क्योंकि मोर देन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 16 और लास्ट में 1 का 1, ठीक है। अब मैं बात करूं 5 से ज्यादा नंबर लाने वाले, मतलब 5 से 35 तक लाने वाले टोटल 95 स्टूडेंट है। कितने, 5 से 35 तक लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 95। अब मैं 5 से 10 की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट। वैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा ना, 20, थोड़ा समझ, इसमें से इसको माइनस करते जा रहे हैं, आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, जोर इसमें से एक और ये एक का एक आएगा, इसमें से माइनस कर कितना आ रहा है, 35, 15 और ये 1, इसका टोटल कितना आएगा, तो बता सकता है, 100 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 5 का मतलब है 5 से ज्यादा लाने वाले, मोर देन 5 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 95 स्टूडेंट है। लेकिन हमको एक साथ चाहिए क्या, नहीं हमको तो सिर्फ चाहिए 5 से 10 चाहिए, तो 5 से 10 के क्या करो, अगला स्टेप वाला जो है उसको माइनस कर दो, आपका निकल जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, दोनों को, मतलब सबको भेज दूंगा,
देख लेना आपको, ठीक है, सिर्फ बनेगा ऐसे ही, ठीक है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, x बार, x पता है क्या, जब x नहीं पता तो x बार कैसे निकलेगा, तो x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में, मिड वैल्यू निकालते हैं, ये जो क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू, ठीक है। तो 0 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 5 और 0 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि दो डिजिट का ऐड किए, ठीक है, दोनों का बीच का 2.5, वैसे 5 और 10 15 7.5 है ना, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5, फिर से बता दूं, चलो इधर देखो 10 और 15 25 है ना, 10 और 15 कितना हो 25, 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे 12.5, तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे सीधा ऐसा करो, जैसे यहाँ पे 15 और 20 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करना, तो दोनों का ऐड कितना है 35 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। दो से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है निर्मला, यहाँ पे दो डिजिट को ऐड किए इसलिए दो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सब में 5-5 का गैप है, यहाँ पे भी 5-5 का गैप आएगा, दिख रहा है आपको, ये जगह 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5, ये x निकल गया, f तो पता है, अब इसके बाद हम निकालते हैं fx, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन या मीन, क्या निकालने बोला आपको, अरिथमेटिक मीन बोला ना इसमें, अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य की गणना, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10 हो गया 12.5, 75 और इसका, इसका कितना, 175 और इसका 350, इसका 32.5, हाँ 350 सही है, और इसका 787.5, इसका 412.5 ध्यान चला गया था, टोटल कितना आया, 1845 टोटल, ठीक है, 1845 इतने है पक्का, ठीक है। अब हमारा हम लोग का मीन निकालने का फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब हिंदी में है समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ठीक है, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना है 1845, समेशन f मतलब f का टोटल, समेशन f एफ एक्स का टोटल, समेशन एफ एक्स, ठीक है, 100 और 100 से डिवाइड करें कितना आएगा 18.45। अब ये चीज देख लो किसमें, ईयर में दिया है कि सैलरी में दिया है कि रुपए में दिया है, क्या चीज में दिया है, आपका क्वेश्चन उसमें लिखा है एज इन ईयर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा था कि 0 से 5 साल वाले बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे, 5 से 10 साल वाले कितने बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। 30 से 35 वाले कौन है, 1 बच्चा मतलब मैं, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए जो 30 साल का वो किसमें आएगा, इसमें कि इसमें, इसमें क्यों नहीं आएगा, 25 से 30 के बीच, ऐसा नहीं, मोर देन लेस देन तो छोड़ दो अभी, गोली मारो उसको, इसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर 29.99 तक आएगा, पर जैसे ही 30 हो जाएगा तो इसमें आएगा, इसीलिए क्योंकि मैं 30 साल का हूं ना, इसीलिए, ठीक है।